कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर लॉकडाउन घोषित है। ऐसे में ग्वालियर में उठावनी और शोक सभा के आयोजन को लोगों ने फेसबुक के माध्यम से लाइव देखा और श्रद्धांजलि दी। लोगों ने घरों में रहकर प्रशासन के लॉकडाउन का पालन किया और मिसाल कायम की। लॉकडाउन में उन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिनके घर में कोई दुखद घटना हो जाती है। इस हालात में कोई भी समाज का व्यक्ति या रिश्तेदार उनके पास तक नहीं पहुँच पा रहा है और ऐसे माहौल में भीड़ जमा कर उठावनी या शोक सभा का आयोजन भी नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि अब लोग सोशल मीडिया का सहारा लेने लगे हैं। ऐसा ही नज़ारा ग्वालियर के एक कुशवा परिवार में देखने को मिला, जहां उनके घर में बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हो गया था और उनकी शोक संवेदनाएं प्रकट करने के लिए लोग पहुंच नहीं पा रहे थे। ऐसे में फेसबुक लाइव के माध्यम से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। दरअसल ग्वालियर के यमुनानगर में रहने वाले जगदीश सिंह कुशवा की उठावनी थी, लेकिन इस लॉकडाउन के चलते उनका कोई भी रिश्तेदार उनकी उठावनी में नहीं पहुँच सका, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने फेसबुक लाइव के माध्यम से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें उनके एक घंटे के आयोजन में 3,500 से अधिक लोगों ने शोक संवेदनाएं प्रकट कर उनके फोटो के अंतिम दर्शन किए। परिवार का कहना है कि लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण का खतरा होने की वजह से हमने सभी रिश्तेदारों से घर पर आने के लिए मना कर दिया था। हमने अपनी फेसबुक आईडी और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से परिचितों को इसकी सूचना दी और उसके बाद सभी ने फेसबुक लाइव के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। ऑनलाइन उठावनी में मेरा परिवार के लोगों ने मेरा पूर्ण सहयोग दिया। सभी लोग शाम को 5 से लेकर के 6 बजे तक ऑनलाइन थे। सब फेसबुक आदि से अपने अकाउंट को खोले हुए थे और उन्होंने सबके दिया। आज की दिनांक तक लगभग 27,000 लोगों के कमेंट्स हम लोगों के पास में श्रद्धांजलि के रूप में आ चुके। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।